तो इसका मतलब कहीं तो टेरर है, मतलब कहीं तो डर है कि अगर आप इनके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो आपकी जान को खतरा है, इसलिए लोग बोलते नहीं है। और जब मैं बोल रहा हूं तो कहेंगे इस्लामोफोबिक है। इन्होंने एक ही साइड की स्टोरी दिखाई है, एक साइड की स्टोरी नहीं दिखाई है मैंने, दूसरा साइड है क्या उसका? दूसरा साइड तो टेररिज्म है और वो तो मैंने खुल के दिखाया है। आज का जो विषय है वो है कश्मीरी हिंदू पलायन और नरसंहार। 1990 के दशक में इस्लामिक आतंकवाद ने कश्मीरी हिंदुओं को अपने ही घर से बेदखल कर दिया, उनके ऊपर बलात्कार, हत्या जैसे अमानवीय अत्याचार हुए। हमारा जनमानस इन घटनाओं को कभी जान तक नहीं पाया। 32 वर्षों के बाद आपकी फिल्म ने यह रिक्त स्थान भरा। आज की वार्ता में हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से इस विषय और आपकी फिल्म के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। वार्ता के अंत में हम श्रोताओं से भी कुछ प्रश्न लेंगे। तो विवेक जी, मैं जो पहला प्रश्न पूछना चाहूंगी वो ये है कि आपकी मूवी कश्मीर फाइल्स बहुत ही सफल हुई, लोगों ने उसे बहुत सराहा। इस संवेदनशील विषय को मूवी बनाई जब आपने, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, नमस्कार। तो जहां तक प्रेरणा का सवाल है, प्रेरणा कोई ऐसा नहीं होता है एक ही चीज है और वहां से प्रेरणा आ गई, कई चीजें मिली जुली होती हैं जीवन में। एक तो मैं बचपन से मुझे हमेशा ये लगता था कि भारत इतना धनी है, जब एक मूल फिलॉसफी की बात आती है तो हमसे ज्यादा धनी इस विश्व में शायद कोई नहीं। आज पूरी साइंस, पिछले समझ लीजिए साइंस का जो मेन अग्रेसिव साइंस है उसका इतिहास समझ लीजिए 5-100 साल का है। 5-100 साल में साइंस घूम के पहले शुरू हुई थी कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या लॉज है फिजिक्स के इसके, और उन सवालों को ढूंढते ढूंढते वो सारी जो यूनिवर्सल लॉज ऑफ लाइफ है, जो कॉस्मिक लॉज है, उनको निगेट करती गई। मतलब कि नहीं, ये नहीं साइंस ही सब कुछ है, नहीं वो नहीं, यही सब कुछ है। और करते करते देखिए आज साइंस घूम के एग्जैक्टली वहीं पे खड़ी हो गई है जहां से 5000 वर्ष पहले भारत की मूल फिलॉसफी दर्शन शुरू होता है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि ये कुछ मुझे जो लोग हैं वो इस बात को समझें कि हमारी एक ओपन सोर्स फिलॉसफी हमेशा से रही है। तो मुझे इस बात का गर्व था और मुझे आश्चर्य यह होता था कि विवेकानंद के बाद भारत में किसी ने भी ऐसी कोशिश नहीं की कि पूरे विश्व में जाके अपना जो मूल दर्शन है, जो हमारी समस्याएं हैं, उसको दुनिया के सामने रखें। मुझे ऐसा लगा कि सिनेमा उसका एक बहुत पावरफुल मीडियम है। सिनेमा लोगों का सिर्फ फैशन और कपड़े ही नहीं बदलता है, पर लोगों की सोच, लोगों के विचार, लोगों का बिहेवियर, दो समाजों के बीच के रिश्ते, बहुत चीजों पर असर कर सकते। तो एक तो मेरी प्रेरणा वो थी कि हाँ, मुझ में अगर इतनी ताकत है कि मैं एक ऐसे विषय पर फिल्म बना सकता हूं तो बनाऊं। दूसरा, मुझे हमेशा ये लगता था कि फिल्म इंडस्ट्री में रहने के बावजूद यहाँ सब लोग डरे डरे से रहते हैं किसी भी बात, किसी भी विषय पर बोलना। यानी आज मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, बॉलीवुड में यह हालत है कि अगर हिंदू बोल दो तो लोग डर के भाग जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आपने कोई गुनाह किया है, जैसे कोई आप एक मर्डरर है या रेपिस्ट है, इस तरह की एक फीलिंग है। लोग चौंक जाते हैं अगर ये बोलो। मैं कल शाम को हम लोग एक प्ले कर रहे थे कश्मीर फाइल्स के ऊपर, उसमें सच्ची कहानियां जो थी वो पल्लवी जी और दर्शन भी सुना रहे थे। दो चार लोगों के मैंने आंखों में देखा, जैसे ही उसमें हिंदू या वर्ड आता है वो ऐसा डर जाते हैं जैसे कि ये बोलना मना है। सारी दुनिया में ना तो क्रिश्चियंस, ना तो बुद्धिस्ट, ना इस्लामिस्ट, कोई शर्माता नहीं अपने बारे में बात करने के लिए। हिंदुस्तान में भी अगर कोई बोले मैं इस्लामिक स्कॉलर हूं तो लोग बड़ी इज्जत से और उससे देखते हैं, लेकिन कोई बोले मैं काशी से निकला एक हिंदू स्कॉलर हूं तो लोग कहते हैं अरे ये तो रिग्रेसिव होगा। ये एक जो मानसिकता सी बन गई, ये मानसिकता मैं आपको बताऊं मेन स्ट्रीम मीडिया, मेन स्ट्रीम टेलीविजन और मेन स्ट्रीम सिनेमा का इसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये एक सोचा समझा विचार था, ऐसा नहीं कि मैंने अचानक किया। पल्लवी जी और मैंने ये तय किया सन 2010 में कि भारत के वो ऐसे विषय जिन पे कभी कोई फिल्म बनाने से डरता है,
या जिनको लेके गलत नैरेटिव है, हम उन विषयों पे कहानियां जो है लोगों के सामने लाएंगे। और जब यंग लोगों को पता चलेगा कि हमसे क्या छुपाया गया है, तभी तो वो उसके खोज करना चालू करेंगे। तो उस दिशा में पहली फिल्म थी हमारी बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम, जिसमें हिंदी फिल्मों में हमेशा नक्सलिज्म को बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता था, जैसे नक्सल लोग बड़े अच्छे लोग होते हैं और लेफ्टिस्ट जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में फिलोसफी आइडियोलॉजी है वो बहुत अच्छी होती है। हमने उसको तोड़ा, उस पर फिल्म बनाई। उसके बाद मैंने अर्बन नक्सल्स लिखी। उसके बाद हम लोगों ने ताशकंद फाइल्स बनाई लोगों को ये बताने के लिए कि जो एक देसी साधारण जो लोग हैं प्रधानमंत्री, उनकी इतनी विवादास्पद मृत्यु हुई लेकिन कभी उस पर चर्चा ही नहीं हुई। यही सोचिए अगर खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन गलती से अगर किसी इलीट प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसा हो जाता तो आप देखिए सारी दुनिया में कहर आ जाता। आज तक हमको लोग बख्शते नहीं। तो उसी सिलसिले में द कश्मीर फाइल। और मेरी तीसरी प्रेरणा ये जो थी कि आज हमने एक रिसर्च जब किया तो हमने देखा जितने यंग स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे खास तौर पे बड़े शहरों में कॉन्वेंट में पढ़े हुए बच्चे जो हैं, उसके अलावा कॉरपोरेट सेक्टर में जो इतने यंग 25 से लेकर 35 40 साल तक के जो लोग हैं, हमने उनका जब रिटर्न एक सर्वे किया, बहुत एक लंबा चला था वो, उसमें ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता था कि कश्मीर जो है वो बेसिकली एक मुस्लिम लोगों का प्रदेश है और वहां पे हमेशा से मुस्लिम लोग ही रहते आए, जैसे अफगानिस्तान का पार्ट। और हम लोगों ने जबरदस्ती उस पर कब्जा कर रखा है और जो हिंदुत्व और हिंदूवादी लोग हैं वो जबरदस्ती अपने को उस पर थोपना चाहते हैं। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था लोगों को बताना कि नहीं, ये मूलतः सरस्वती और शिव, ये पंचतंत्र, ये नाट्यशास्त्र, ये फिलोसफी का अभिज्ञान बहुत ज्ञान का केंद्र रहा है और ये भारत की जितनी भी मूल आदर्श हैं और वैल्यूज हैं वो सारी यहां से निकली हुई हैं और इसको कैप्चर किसी गलत लोगों ने कर रखा है, वो भी टेररिज्म के साथ। ये एक बात लोगों तक पहुंचानी और मुझे इस बात की खुशी है कि वो लोगों तक पहुंची। तो ये बेसिकली हमारी प्रेरणा थी, ये तीन चीजें हम लेके चले थे और उस पर हमने काम किया और उसी पर आगे भी हम सारी फिल्में उसी फिलोसफी पे बेस्ड है। दूसरा जो प्रश्न है मेरा वो ये है कि इस मूवी का कथानक सत्य घटनाओं पर आधारित है, तो फिल्म बनाने से पहले आपने काफी गहन रिसर्च की होगी, इस रिसर्च के लिए आपकी क्या अप्रोच रही, जैसे पीड़ितों के साथ इंटरव्यूज, घटनाओं का संकलन, क्या क्या अप्रोच आपने अपनाई उसके लिए? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, जनरली लोग पूछते भी नहीं। तो मैं आपको बताऊं हम किस तरह से काम करते हैं। हमारी जो प्रोडक्शन कंपनी का नाम है आई एम गुप्ता, तो और नाम आम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो रखना पड़ता है, मजबूरी है, पर हम किसी चीज में बनते नहीं है। मैं और पल्लवी स्वच्छंद भाव से जो हम चाहते हैं वो करते हैं। तो हमने सारी फिल्में जो अभी तक की हैं, हमको ये समझ में आया कि भाई इस किताब में ये लिखा है, उस किताब में वो लिखा है, क्या सही है क्या गलत है, इसी पर लड़ाई चलती रहेगी तो उसमें मुद्दे खो जाएंगे। हमें ऐसा लगा कि इतिहास का जो एक सबसे बड़ा पार्ट होता है, जिसको वेस्ट में मानते थे कि वेस्ट की कुछ बड़ी अच्छी बातें भी हैं, उसको ये लोग मानते हैं, पर हिंदुस्तान में पता नहीं क्यों हमने कभी ध्यान नहीं दिया। जो जीते जागते लोग हैं उन्हीं से तो इतिहास बनता है। आज हम और आप जो ये बातचीत आपस में कर रहे हैं और जो हम सोचेंगे अपने एक दूसरे के बारे में, जो विचारों का आदान प्रदान होगा, वही तो परत के ऊपर जुड़ते वो इतिहास बनेगा। आज आप परसों देखिए, जैसे राहुल भट्ट की हत्या हुई, अब उसके परिवार वाले और वहां पे जो विटनेसेस थे वो जो बोलेंगे उसी से तो इतिहास बनेगा। पर समस्या ये है कि जो इतिहास है वो कोई राहुल भट्ट की पत्नी या बच्चों से या वहां जो विटनेसेस थे, कैसे मारा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पुलिस कब पहुंची, उन लोगों से बातचीत किए बिना दिल्ली में बैठ के कुछ लोग अपने अंदाज से एक इतिहास की रचना न्यूज़पेपर टीवी से चीजों को निकाल के कर देंगे और जनरली अपना जो उनका एक नैरेटिव है उससे जोड़ के कर लेंगे। तो हमने कहा, हमने ऐसा सोचा क्यों ना हम जो जीते जागते लोग हैं उन लोगों से बातचीत करके एक किसी तरह का उनसे बातचीत करके जो बातचीत हम करते हैं वो लोगों के सामने प्रस्तुत करें। कश्मीर फाइल चूंकि ज्यादा चल गई है इसलिए लोगों की नजर में, लेकिन आप देखिए ये सारी फिल्मों में आपको यही मिलेगा। हमारी ताशकंद फाइल जो थी वो मैंने बस्तर में वक्त गुजार के वहां पे जो नक्सल पीड़ित लोग हैं
और जो नक्सल लोग हैं और जो नक्सलिज्म छोड़ के एक्स नक्सल्स हैं, वहां के जो पॉलिटिशियंस हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, उन लोगों से बातचीत करके, फिर यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स, उनके माँ बाप लोगों से बात करके, उस पूरी समस्या को समझ के सबके पॉइंट ऑफ व्यू मैंने फिल्म के अंदर डाल दी। उसमें स्टूडेंट का भी पॉइंट ऑफ व्यू है, प्रोफेसर का भी है, प्रोफेसर की पत्नी का भी है, और आदिवासियों का भी है, सब तरह के लोगों का उसमें नैरेटिव। यही मैंने ताशकंद फाइल्स में किया। ताशकंद फाइल में देखिए, आप सबके नैरेटिव्स हैं, आप चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में, आप सत्य के साथ हैं, झूठ के साथ हैं, और फिर ऑडियंस के सामने प्रश्न छोड़ दिया कि भाई अब आप तय करिए, ऑडियंस भी तो थोड़ा अपना दिमाग लगाए, तो उसमें ऑडियंस ने पार्टिसिपेट किया। यही आप कश्मीर फाइल्स में देखिए, दोनों तरफ के नैरेटिव्स हमने आपके सामने लाके रख दिए। अब आपको मैं ऐसे बताता हूँ, उस फिल्म में जो लास्ट में जो सीन है जिसमें कि 24 लोगों को खड़ा करके मारते हैं, जिनने फिल्म देखी वो जानते हैं, ये क्यों नहीं पता था भाई किसी को? आजाद भारत में इतनी बड़ी एक समस्या हो गई, किसी को क्यों नहीं पता था? क्योंकि कोई जर्नलिस्ट वहां गया ही नहीं जानने के लिए क्या हुआ था एग्जैक्टली, और अगर उसे दिखाओ तो लोग इस्लामोफोबिक बोलते हैं। हमने तो दिखाया ही नहीं, हमने तो अपनी तरफ से कम कर दिया डर के मारे कि भाई मैं, हमारी आत्मा ने गवाही नहीं किया कि भाई ये दिखा सकते हैं। जैसे वो जो लास्ट का सीन है क्लाइमेक्स, उसमें वो लोग निकल गए 800-900 मीटर दूर गए, और एक जो प्रेग्नेंट औरत थी उसका छोटा बच्चा था 2.5 साल का, वो उठा तो अंधेरे में वो रोने लगा, ये रात को हुआ था, तो अंधेरे में रोने लगा, तो ये लोग लौट के आए और उसको गोलियों से भूना। हमने वो दिखाया ही नहीं। कई लोग कहते हैं अरे भाई ये क्या है, हमने रात का सीन क्यों नहीं दिखाया उसको दिन में? क्योंकि अगर मैं रात को उसको शूट करता तो मैं आपको सत्य बता रहा हूं, आप महीनों महीनों सो नहीं सकती, क्योंकि एक घटना दिन में दिखाओ और वही रात को दिखाओ तो एक उसकी अलग फीलिंग होती है, क्योंकि रात में जो विक्टिम से कहीं भाग नहीं सकते, अंधेरा है, कहीं कुछ कर नहीं सकते। तो हमने बहुत संवेदनशीलता के साथ जो तथ्य हमें मिले, तो हमने 4 साल जो कश्मीरी जेनोसाइड के जो पहली जनरेशन के विक्टिम्स हैं, पहली जनरेशन मतलब डायरेक्टली जिनके माँ बाप या बच्चों या जिनने आंखों से देखा है या जिनकी प्रॉपर्टी जला दी गई या लूट ली गई, जो फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स हैं, जो बचे हैं, बहुत ज्यादा बचे भी नहीं अभी, तो उन लोगों के पूरी दुनिया में जहां भी होते हैं, आप किसी भी कश्मीरी पंडित से पूछिएगा बताएंगे वो आपको, चाहे वो अमेरिका में हो, यूके में हो, जर्मनी में हो, न्यूजीलैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में, वर्ल्ड के किसी भी कोने में, भारत के किसी भी कोने में, वहां पे हम खुद अपने खर्चे से जाके उनसे मिलके, उनके साथ रह के धीरे 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 उनका पूरा का पूरा जो वाकया जो हादसे हुए थे उनको रिकॉर्ड किया, उन सबको जोड़ा, उनसे समझने की कोशिश की कि भाई कई बार आदमी इमोशनल होकर थोड़ा ज्यादा भी बता देता है। तो उन सब में जो सबसे कॉमन चीजें थी जो हर व्यक्ति ने बोली, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, ऐसा नहीं हमने हिंदुओं से ही किया, हमने मुस्लिम लोगों से भी बात की, और उसके बाद फिर हमने उसको जो जनरल न्यूज उस वक्त की थी इंटरनेशनल और नेशनल, उनके साथ चेक किया, उसमें भी जब वो बातें लिखी गई थी तो जो बात हिंदुओं ने, मुस्लिमों ने, अमेरिकन्स ने, जगमोहन जी की किताब में, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में जितने हादसे थे, सिर्फ उन हादसों को पकड़ा जिसको वर्ल्ड में कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता, कोई ये नहीं कह सकता नहीं साहब ये तो सिर्फ कॉल साहब की फैमिली जानते थे, हमने तो नहीं जाना। उन सब चीजों को जोड़ के फिर हमने वो फिल्म बनाई, और यही कारण है कि फिल्म को जो भी बोलना है लोग बोले, क्रिटिक्स लोग, लेकिन आज तक एक भी व्यक्ति ये नहीं बोल पाया है कि इसमें ये जो चीज दिखाई थी ये गलत है, ये ऐसी हुई नहीं, क्योंकि उसको सारी विश्व मानता है, जो टेररिस्ट लोग हैं वो खुद मानते हैं इस बात को, वही स्वीकार करते हैं हमने ऐसा किया था, तो फिर किसी और के पास जाने की जरूरत क्या है। तो इस तरह से इसका पूरा रिसर्च हुआ। जी विवेक जी, वो झलक की कितनी गहराई से रिसर्च करी है वो झलक दिखती है आपकी फिल्मों में, ताशकंद फाइल्स में भी और यहाँ पर भी। तो अगली चीज ये पूछना चाहूंगी कि जैसे एक बहुत ही इनकन्वीनियंट ट्रुथ जनता के सामने आप लेकर आए, तो इसके निर्माण में आपको बहुत कठिनाइयां आई होंगी, बहुत से विरोध झेलने पड़े होंगे, ऐसा हुआ ही नहीं होगा कि आसानी से ये यात्रा सफल हुई होगी, तो क्या कठिनाइयां आई, किस तरह का विरोध आया आपके सामने? एक्चुअली बनाते वक्त जो विरोध आया वो तो कुछ भी नहीं है, जो अब आ रहा है दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। पर हाँ देखिए, एक तो विरोध क्या है, शुरू में तो ज्यादा लोगों को पता नहीं था हम क्या बना रहे हैं क्या नहीं,
जब कश्मीर फाइल्स बोलते थे सब सोचते थे कि शायद यही बना रहे होंगे कि किसी टेररिस्ट किसी के साथ अत्याचार हुआ इसलिए उसने बंदूक उठा ली और टेररिस्ट बन गया, क्योंकि बॉलीवुड में तो ऐसी ही फिल्में बनती हैं। लेकिन जब धीरे धीरे बॉलीवुड वालों को पता चलना शुरू हुआ कि हम क्या बना रहे हैं, जब उन्हें रिसर्च वगैरह का पता चला, तो सबसे पहले तो जो लोग पहले इसको प्रोड्यूस करने वाले थे वही छोड़ के भाग गए स्टूडियो है। वो उन्होंने कहा भाई हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं। उसके बाद फिर जो जैसे बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने कहा नहीं 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 भाई इसमें आप इस्लामिक टेररिज्म वर्ड नहीं यूज कर सकते, इसमें अगर आप दोनों बैलेंस करिए इसको आप फिर हिंदू टेररिज्म वर्ड भी यूज करिए। मैंने कहा अरे भाई हिंदू टेररिज्म होता कहाँ है, तो कह रहे नहीं हमारी ग्लोबल पॉलिसी है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इस तरह की समस्याएं तमाम आती थी। दूसरी एक जो समस्या थी कि लोगों को ढूंढना, फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स को कैसे ढूंढा जाए। अब आप ये देखिए कि प्राणा गंजू एक जो थी उनका जो बेटा हिमांशु गंजू जिसके ऊपर जो हीरो का रोल जिसने किया है वो हिमांशु गंजू नाम का लड़का है जो शिकागो के आगे रहता है। उसने उसकी माँ के साथ यही हुआ था और उसको 19 साल की उम्र तक पता ही नहीं था कि उसके माँ बाप के साथ क्या हुआ, क्योंकि उसकी नानी ने बताया ही नहीं उनको। तो अब उसको कैसे ढूंढा जाए। उसने जब ये हो गया उसके बाद उसने मिलना जुलना ही बंद कर दिया, सबसे नाता तोड़ दिया और अमेरिका में वो रहने लगा। एक छोटा सा गाँव है कहीं शिकागो से 2-3 घंटे दूर, तो वहां जाके रहने लगा और दुनिया से उसने नाता तोड़ लिया। कोई जानता ही नहीं था, कश्मीरी लोग ही नहीं जानते थे कहाँ रहता है, तो उसको कैसे ढूंढा जाए। तो इस तरह की समस्याएं थी। उसके बाद जो सबसे बड़ी चुनौती थी फिल्म की शूटिंग कश्मीर में करना। तो हम जब कश्मीर में शूटिंग करने गए तो मेरे नाम पे फतवे वगैरह इशू कर दिए गए वहां पे, 30-30 सिक्योरिटी के लोग चलते थे, तो उनके साथ शूटिंग करना बड़ा कठिन था। पर ये सब ऐसी समस्याएं जिनसे जो जिनको सॉल्व किया जा सकता है, जिनके चारों तरफ कुछ किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद फिल्म को रिलीज करने की समस्या, कैसे रिलीज करें। आप सब जानते हैं कि उसको मुश्किल से 400-500 स्क्रीन में रिलीज किया गया, जो कि एक बड़े शर्म की बात है इस राष्ट्र के लिए। देखिए मैं सच बात बताऊं, कुछ चीजें मैं बहुत खुल के बोलना चाहता हूं, इतने दिनों से बोल नहीं रहा था, लेकिन इस राष्ट्र के लिए बहुत शर्मजनक बात है, डूब मरने वाली बात है कि जिस बॉलीवुड के लोगों को जिनको एक्टिंग भी नहीं आती है, जिनको फिल्में बनानी भी नहीं आती है, जिनने भारत के विरोध में फिल्में बनाई है, उन लोगों को हमने करोड़पति अरबपति बना दिया। 150-150 करोड़ रुपए वो लोग 30-40 दिन काम करने के लेते हैं एक भारत जैसे मिडिल क्लास गरीब देश में। ये एक बहुत ज्यादती है जिनको इतना प्यार करके, जिनकी फिल्मों को हम लोग भाग भाग के तैयार होकर दिवाली होली ईद में देखने जाते हैं। उस देश में कश्मीर फाइल जैसी फिल्म के लिए कोई जगह नहीं है। ये बॉलीवुड के लिए डूब मरने वाली बात है, बहुत शर्म की बात है। और मैं चाहता हूं इस बारे में जागरूकता फैलाई जाए, इसमें चेतना फैलाई जाए। यानी सिर्फ इसलिए कि अच्छा हिंदू लोग आजकल या भारत नेशनलिस्ट लोग इस तरह की फिल्में देख रहे हैं तो किसी पुराने राजा को पकड़ लिया और उसके ऊपर फिल्म बना दी, या कोई ऐसा सब्जेक्ट या नाम जोड़ दिया उसमें और बना दी, सत्यमेव जयते रख लिया अपना नाम और बना हुई फालतू चीज कर दी। लेकिन जब इतनी मेहनत से जिसके जीते जागते 7 लाख लोग घूम रहे हैं इस विश्व में, आज जो 7 लाख हिंदू लोग जो कश्मीर में रहते थे आज कश्मीर के बाहर रहते हैं, इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए दुनिया को। उस विषय में एक रिसर्च बेस्ड जब फिल्म बनती है तो उसको कोई जगह नहीं, उसको मारने के लिए पूरा बॉलीवुड खड़ा हो जाता है। आज भी आप देख लीजिए, आप क्या सुन पढ़िए, आप पेपर उठा लीजिए, क्या लिख रहे हैं, साउथ की फिल्में जो है वो बहुत चल रही है, बहुत चल रही है, बहुत चल रही है, ये लिख रहे हैं आप। किसी ने आपने आज तक यहाँ कहीं पढ़ा है कि सिर्फ साउथ की फिल्में आके नॉर्थ में नहीं अटैक कर रही है। कश्मीर फाइल्स पहली फिल्म भारत के इतिहास में है जो केरल और तमिलनाडु, जहां एक शो किसी फिल्म का रिलीज नहीं होता था, अगर यहाँ कोई केरल और तमिलनाडु का व्यक्ति है वो इस बात को बता सकता है, वहां पे 5-5, 6-6 हफ्ते हाउसफुल कश्मीर फाइल चलती है। तो इस बारे में क्यों नहीं चर्चा कि हिंदी फिल्में साउथ में कैसे अपना इंपैक्ट कर रही है और किस तरह एक फिल्म से पूरा भारत एक हो रहा है। ये आज भी कोई लिखने को तैयार नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं है। और अगर फिल्म की सफलता की अगर बात करें तो ये पैसों की आप देखिए, मैं कभी पैसे से के बारे में सोशल मीडिया में लिखता नहीं हूं क्योंकि मेरे दिमाग में ही नहीं रहता हूं। मुझे इस बात की ज्यादा चिंता है कि किस तरह से लोग ये समझें कि जो हिंदुस्तान मूलतः इस्लामोफोबिक नहीं है, हिंदुस्तान टेरर फोबिक है। हम शांति प्रिय लोग हैं, हमको ये फालतू का रिलीजियस टेररिज्म नहीं चाहिए, हम उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। वरना तो भारत में सब रहते ही हैं 24 घंटे, हर तरह के हर धर्म के लोग रहते हैं, क्या कर सकते हैं उसका। आप खत्म कर दीजिए टेरर, आप नफरत फैलाना बंद कर दीजिए, ये मूलतः हिंदू राष्ट्र है, इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि भाई यहाँ जन्म तो हिंदुइज्म का यहीं से हुआ है, एक ही तो पूरे विश्व में एक राष्ट्र बचा है।
लेकिन सी आएगा आप उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, कुछ भी होगा आप उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, टेररिज्म के अगेंस्ट बोलो आप कह देंगे आप इस्लामोफोबिक हैं। तो ये जो समस्या है इतनी बड़ी जटिल समस्या है जिसको मैंने अर्बन नेक्सस किताब में लिखा है, अगर आप चाहें तो वो हमारी आई एम बुद्धा फाउंडेशन में जाकर ले सकते हैं जिसे नहीं पढ़ी, अब हिंदी में भी आ गई। तो आपको पैसे पैसे को लेके प्रॉब्लम है, ऊपर से आप देखिए कितनी शर्म की बात है हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे समाज के लिए। और मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, आप भी इसकी चेतना जगाएं, अपने बच्चों को भी जगाएं। कितने कितने अफसोस की बात है कि भारत में 8-10 फिल्में बड़ी बड़ी जिनमें बड़े बड़े स्टार शाहरुख खान आमिर खान नाम लीजिए सब काम कर चुके हैं, ऋतिक रोशन संजय दत्त बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने बनाई है जिनको इस राष्ट्र ने नेशनल अवार्ड्स पद्मश्री पद्मभूषण दिए हैं, उन सब ने जो ये फिदा मिशन कश्मीर हैदर ये फिल्में बनाई है, ये सारी की सारी टेररिज्म को जस्टिफाई करती है, ये सारी की सारी 90 के दशक में बेस्ड है लेकिन हिंदू वर्ड तक यूज नहीं करती, जैसे कोई हिंदू था ही नहीं कश्मीर में कभी, इसीलिए आज के बच्चों को लगता है कि वहां पे हमेशा से मुस्लिम लोग रहते हैं। इनमें से तो किसी को कभी कोई फतवा इशू नहीं हुआ, किसी हिंदू ने इनके नाम पे फतवा इशू नहीं किया, कश्मीरी पंडितों ने इन्हें गाली नहीं दी, कश्मीरी पंडितों ने तो ये तक नहीं बोला कि इन लोगों ने झूठ दिखाया, उन्होंने बस ये कहा भाई हमारे बारे में क्यों नहीं बताया। लेकिन जब कश्मीर फाइल्स आती है तो हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं के जेनोसाइड की कहानी जिसको 32 साल तक बताने में लोग फेल हो गए, जब वो कहानी आती है तो मेरे नाम पे फतवे इशू होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को मेरे को सिक्योरिटी देनी पड़ती है, इससे अधिक शर्म की डूब मरने वाली बात क्या हो सकती है। एक आजाद भारत में आजाद भारत की समस्या पे फिल्म बनाने के लिए तो इसका मतलब कहीं तो टेरर है, मतलब कहीं तो डर है कि अगर आप इनके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो आपकी जान को खतरा है, इसीलिए लोग बोलते नहीं है। और जब मैं बोल रहा हूं तो कह देंगे इस्लामोफोबिक है, इन्होंने एक ही साइड की स्टोरी दिखाई है, एक साइड की स्टोरी नहीं दिखाई है मैंने, दूसरा साइड है क्या उसका, दूसरा साइड तो टेररिज्म है और वो तो मैंने खुल के दिखाया है। यासीन मलिक ने परसों कबूल किया कोर्ट में कि हाँ मैं टेररिस्ट हूं, मैंने लोगों को मारा है, उसने किया है भाई, मैं तो नहीं गया था उसके पास कि मैंने उसकी गर्दन पे बंदूक रख के बोला कि तुम बोलो, उसने अपनी स्वेच्छा से बोला। तो मतलब दूसरा साइड टेररिज्म है। फिर कई लोग कहते हैं भाई हमारी बात क्यों नहीं दिखाई, आपकी बात क्या दिखाएं, आप बोलते ही नहीं है, आपकी बात है क्या ये तो बताइए भाई। सिर्फ हिंदू ही लोग तो कश्मीर के बाहर गए, कोई मुस्लिम तो नहीं छोड़ के वहां से गया, तो मतलब उसके ऊपर संकट नहीं था, जिसपे संकट था वो छोड़ के भागा, जिस पे नहीं था वो वहीं रहता रहा। और आप अपनी बात तो बताइए, परसों राहुल भट्ट को मारा है, हम तो खुल के बोल रहे हैं कि ये गलत हुआ है और टेररिज्म नहीं होना चाहिए, आप भी तो खुल के अपनी बात बताइए कि आप चाहते क्या है भाई। आप बोले तो मैं आपकी साइड खड़े होकर, अगर कोई बोल दे कि मैं सबसे पहले एक भारतीय हूं, मैं भारत का एक पेट्रियॉट नेशनलिस्ट मुस्लिम हूं और जैसा आप समझते हैं वैसा मैं नहीं हूं, मैं भी भारत के मूल भावनाओं पर विश्वास करता हूं, मुझे भी विवेकानंद पे गर्व है, अगर ऐसा कोई बोले मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरी अगली फिल्म का हीरो होगा, बोले तो। आप दूसरी साइड मुझे पता ही नहीं तो मैं बताऊं कैसे आप, जो मैंने दूसरी साइड देखी वो टेररिज्म की साइड है जो मैंने दिखा दी खुल के। तो कहने का मकसद ये है कि ये सबसे बड़े खतरे हैं। आज भी मेरे परिवार की मेरे दो जवान बच्चे हैं, टीनेजर, आप जिनके बच्चे आप जानते हैं, मासूम होते हैं, दुनिया देखना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, आज हम सबको एक जेल में बंद कर दिया गया है, पूरे टाइम सिक्योरिटी 5 जवान लोग बंदूक लेके बैठते हैं, मेरे लिए इससे दुख की कोई बात नहीं, मेरे जैसे स्वच्छंद व्यक्ति को एक जेल में बंद कर दिया गया है कि साहब आपका गुनाह यह है कि आपने 7 लाख पीड़ित लोगों के ऊपर एक फिल्म बनाई है, आपने ये लोगों को बताने की कोशिश की है कि कश्मीर भारत का सबसे प्राचीन भारतीय सभ्यता सिविलाइजेशन का सबसे प्राचीन गढ़ रहा है, ये आपने लोगों को बनाने का गुनाह कैसे किया, अब आप घर के अंदर बंद हो जाइए बाहर मत। ये सबसे बड़ी चेतावनी और ये मुझे दिन रात कचोटती है और मुझे परेशान करती है। विवेक जी, बॉलीवुड की तो क्या बात बोले, वो एक अलग ही नरेशन के साथ चलती है, एक बहुत प्रभावशाली माध्यम है जिसके द्वारा बहुत जनता को बताया जा सकता है, लेकिन वो अपना एक अलग ही नरेशन चलाते हैं, एक स्टीरियोटाइप समाज में क्रिएट करते रहते हैं।
तो उसका कुछ मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है, आप जैसे ही कुछ और लोग आए तो मे बी कुछ चेंज आए। तो खैर हम उस घटना पे चलते हैं। तो कश्मीरी हिंदुओं का जो ये विस्थापन हुआ, उन पे जो अत्याचार हुए, इसके लिए आप दोषी किसे मानना चाहेंगे, किसे दोष देना चाहेंगे कि कौन इसके पीछे है? सबसे पहले तो वो एक समाज जिसने टेररिज्म को पनपने दिया, उसको शह दी, बल्कि उसको बढ़ावा दिया, और आज भी कर रहे हैं। ये सिर्फ कश्मीर में नहीं, भारत में बैठे लोग भी कर रहे हैं। सबसे पहले वो इस बात के दोषी, क्योंकि जब टेररिज्म चालू हुआ वहां पे मिड-80s में, तो उस वक्त राजीव गांधी की सरकार थी, उनको एक नहीं बहुत सारे लोगों ने जा जाके ये बोला कि भाई आप कंट्रोल करिए इसको। जगमोहन जी ने खुद एक 40 पन्ने की चिट्ठी लिखी भारत सरकार, उसको इग्नोर किया गया। राजीव गांधी ने ऑन रिकॉर्ड बोला कि भाई अब्दुल्ला जी तो हमारे दोस्त हैं, हम कैसे उनके खिलाफ कुछ कर सकते हैं, और दोस्ती के लिए देश को कुर्बान कर दिया गया, नंबर वन। तो वो सबसे बड़े दोषी हैं। लोग पाकिस्तान को दोषी बनाते हैं, मैं नहीं मानता, वो तो हमारा दुश्मन है भाई, हमें तो पता है कि वो ऐसा करेगा। हम उसको हर समय क्यों उंगली उठाते हैं पाकिस्तान की तरफ? सांप का तो काम ही डंक मारना है, बिच्छू का तो काम ही डंक मारना है, तो आप बिच्छू को दोषी नहीं बता सकते हैं। लेकिन कोई आपसे बोले नहीं, ये बिच्छू डंक नहीं मारेगा, इसको आप अपने हथेली पे ले लीजिए, उसके बाद बिच्छू डंक मारे, तो वो आदमी दोषी जिसने आपसे झूठ बोला, जिसने एक बिच्छू को एक अच्छा कीड़ा मकोड़ा बना के आपके पास रखा। तो पाकिस्तान को मैं गलत नहीं मानता। दूसरी बात, जो लोग टेररिज्म कर रहे थे वो तो पाकिस्तान से नहीं आए थे। यासीन मलिक पाकिस्तानी तो है नहीं, बिट्टा कराटे पाकिस्तानी तो है नहीं, बुरहान वानी पाकिस्तानी तो है नहीं। दूसरा, वो लोग जो कि बाकी हिंदुस्तान में इनको सपोर्ट करते आए, जो कहते हैं हर घर से अफजल निकलेगा, वो तो पाकिस्तानी नहीं है, वो तो मुस्लिम भी नहीं है, वो तो हिंदू है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री की एक यंग एक्ट्रेस है जो सीए में बहुत ज्यादा आगे बढ़ बढ़ के बुरहान वानी और अफजल गुरु को हीरो बना रही थी, जैसे वो देवता लोग हैं, वो तो एक बिहारी व्यक्ति की बेटी है, उनकी माँ जेएनयू में पढ़ाती है, उनके पिताजी भी सरकारी सॉरी भारत में ही नौकरी करते, ये तो भारतीय लोग हैं भाई। तो पाकिस्तान को क्यों दोष देते हैं? क्यों पाकिस्तान को दोष देने से आप साफ हो जाते हैं? तो वो लोग बहुत बड़े दोषी हैं। दूसरा, कश्मीर का मुस्लिम समाज, कश्मीर का मुस्लिम समाज कभी भी टेररिज्म के अगेंस्ट नहीं बोलता है। ये बात मैं अच्छे से जानता हूं कि वहां के जो यंग लड़के लड़कियां हैं वो बहुत परेशान है इस बात से, क्योंकि देखिए यंग लड़के लड़कियां जो है एक लेवल तक ही रिलीजन और इन सब चीजों को मान सकते हैं, उसके बाद वो भी एक पार्ट बनना चाहते हैं मेन स्ट्रीम का, डेवलपमेंट का। वहां के कितने लड़के लड़कियां आके फिल्मों में काम करना चाहते हैं, नाटक करना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, गाने गाना चाहते हैं, अच्छे मॉडर्न कपड़े पहनना चाहते हैं, वो सिर्फ कश्मीरी खाना छोड़ के बाकी खाना भी खाना चाहते हैं, लेकिन उनको इस बात की इजाजत नहीं है, और उनको इस बात की इजाजत नहीं है, पर उनके माँ बाप और उनके जो संबंधी सगे संबंधी है वो इसके विषय में एक शब्द नहीं बोलते। मुस्लिम समाज हमेशा शांत रहता है जब भी इस तरह का, अब राहुल भट्ट को परसों मारा है, क्यों नहीं खड़े होके जो भारत के मूल इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, चिंतक हैं, जो लीडर्स हैं, वो लोग खड़े होके क्यों नहीं इसकी घोर निंदा करते हैं, और क्यों नहीं कहते हैं कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इसके अगेंस्ट खड़ा होता हूं? क्यों नहीं मुस्लिम समाज खड़े होके ये कहता है कि मदरसों में जो ये सुसाइड बॉम्बर बनाने के लिए ब्रेन वॉश किया जाता है, ये जो 72 हूरों का जो एक नैरेटिव है, ये मजाक नहीं है, ये सच है, मैंने आंखों से देखा हुआ है कश्मीर में, ये एक रियल नैरेटिव है, आ यंग बच्चा इस बात पे विश्वास करता है, क्यों नहीं बोलते कि ये गलत है, मैं इसके अगेंस्ट खड़ा होता हूं? मैं तो हमेशा, आप देखिए मैं कितनी बार, कई बार लोग बोलते हैं सनातन सनातन, तो मैं तो स्टूडेंट से वही पूछ लेता हूँ, अच्छा बताओ सनातन क्या है, तो चुप हो जाते, उन्हें पता नहीं होता, कहते वेद पुराण में लिखा हुआ, मैं हमेशा कहता हूँ कि बताओ क्या लिखा है वेद, पहले तो ये बताओ उपनिषद के अलग किताबें हैं, वेद के अलग किताबें, कहते हैं हाँ अलग अलग है, तो मैं कहता हूं तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, मैं तो हमेशा क्वेश्चन करता हूं, आप मेरे यूट्यूब में इतने सारे पढ़े हुए, अगर मैं बड़ा होने के नाते अपने ही बच्चों को नहीं सुधारूंगा, उनको ही सत्य नहीं बताऊंगा, अगर उनको मैं अच्छे लोगों के कदमों पर चलने के लिए प्रेरित नहीं करूंगा, विवेकानंद जी के,
या अपने जितने महान लोग हुए हैं स्कॉलर्स उनके ऊपर अगर प्रेरित नहीं करूंगा और जो हमारे समाज के खराब लोग हैं अगर उनकी तरफ उनको ले जाऊंगा सपोर्ट करके, तो मुझसे बड़ा दोषी कौन है? मेरे जो बेटे और बेटी है जो मेरे घर में, अगर उनकी वैल्यूज गलत है तो उसका दोषी तो मैं हूं ना। मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ भाई ये तो स्कूल भेजा था स्कूल वालों ने सिखा दिया, या हमारे पड़ोसी थे वो लोग खराब थे उनने सिखा दिया। मैं अपने को स्वयं को दोषी मानता हूँ इस बात का, अगर मेरे साथ रहने वाले मेरे परिवार के लोग, मेरे ऑफिस में जितने लड़के लड़कियां काम करते हैं, या आप भी जो लोग हैं अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर मैं ही उसको नहीं सुधारूंगा, अगर मेरा इन्फ्लुएंस है तो सबसे बड़ा दोषी मैं। जो लोग अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, और मैं मेरी कथनी करनी में कोई फर्क नहीं है, मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ। आप देखिए रोज सुबह, हर सुबह लगातार पिछले कई वर्षों से मैं क्रिएटिव कॉन्शियसनेस आई एम बुद्धा के नाम से कुछ लिखता हूं, एक गुड मॉर्निंग कर। ऐसा नहीं कि वो मेरी समझ, मैं सिर्फ इतना करने की कोशिश कर रहा हूं जो भारतीय फिलॉसफी मूल जो हमारी सनातन विचारधारा है, जो हमारे उपनिषद की वेदांत की जो विचारधारा है, जो इतनी महान विचारधारा है, उस विचारधारा को बहुत सिंपल शब्दों में यंग लोग पढ़ सके, क्योंकि कॉन्वेंट में जाते हैं अधिकतर बच्चे इंग्लिश में, उसको सिंपल करके मॉडर्न तरीके से लिखता हूं। बात आप चाहे ऐसे कहें चाहे वैसे कहें, मूल भावना लोगों के अंदर घुसनी चाहिए। और उसका कारण है कि मैंने एक बहुत बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में अपने साथ बहुत सारे यंग लड़के लड़कियों के साथ काम करते करते उनकी दिशा मोड़ी है। तो कश्मीर में, कश्मीर समाज, कश्मीर में मुस्लिम समाज ये क्यों नहीं कर सकता है? वो कहते हैं हम तो भाई कश्मीरी पंडितों को चाहते हैं वापस आ जाए रहने के लिए। कैसे वापस आएंगे? तुम राहुल भट्ट को मार डालोगे तो, और चुप रहोगे तो? क्यों नहीं कल कश्मीरी हिंदू क्यों सिर्फ जाके वहां पे एजुकेशन कर रहे थे? क्यों नहीं गली गली में, गांव गांव में, हर जगह पे कश्मीरी लोग कहना चाहिए था कि ये कश्मीर के बंदे को मारा है और हम इसके अगेंस्ट खड़े हैं। अगर वो ऐसी प्रोसेशन निकालते मैं सबसे पहले उनके साथ जाके खड़ा हूं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो इसलिए मैं उस समाज को भी इस बात का दोषी मानता हूं। और तीसरे जो सबसे बड़े दोषी है वो है हमारा मीडिया, चाहे वो इधर का मीडिया हो चाहे उधर का, दोनों ही गलत। सिर्फ इसलिए कि कोई हमारे मतलब की बात करता है हम उसको अपना मान लें, ये गलत है। हमको सिर्फ एक ही बात हर समय लोगों तक पहुंचानी चाहिए कि ये भारत जो है, ये भारत है, हम भारतीय हैं और हम इंडिया नहीं है। भारत एक, हमने पार्टीशन के बाद एक डिवीजन किया है, भारत को अलग कर दिया है, इंडिया को अलग कर दिया है। इंडिया भारत के साथ लड़ाई लड़ रहा है और इंडिया भारत को हराने की कोशिश करता है। जब भी भारत खड़े होकर कुछ भी बात करता है तो उसको ऐसा, उसके ऊपर आरोप लगाते हैं, उसको बेइज्जत करते हैं, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि वो चुप रहे। और ये देखिए, ये सिर्फ कि तुम गौमूत्र पीने वाले हो, ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। भारत की जो माएं हैं, गृहणियां हैं, जो आज भारत बचा हुआ है, जिनके कारण बचा हुआ है, उन गृहणियों के ऊपर भी ये लोग हर समय आरोप लगाते हैं, उनको नीची नजर से दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो तुम लोग तो पढ़े लिखे नहीं हो, तुम लोग काम नहीं करते हो, तुम एम्पावर्ड नहीं हो, हमारी तरह फेमिनिस्ट नहीं हो, ऐसा करके। तो ये इंडिया जो लगातार भारत को हराने की कोशिश कर रहा है, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये इंडिया जो भारत पे कल्चरल वॉर कर रहा है, ये तीसरा सबसे बड़ा दोषी है, ऐसा मैं मानता हूं। जी विवेक जी, और ये जो विस्थापन हुआ है, जो कश्मीरी हिंदुओं का पलायन हुआ है, इसको 32 वर्ष हो चुके हैं और आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। कश्मीरी हिंदुओं को न्याय मिले, उन्हें अपना खोया हुआ घर वापस मिले, इसके लिए समाज को, सरकार को क्या करना चाहिए? इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो ये वापस जाने की जो बात है, ये रोमांटिक सी बात है, ये संभव नहीं है। आपके कमरे में चार सांप बैठे हुए हैं और कोई कहे जा रहे वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, हम विश्वास दिलाते हैं कोई नहीं काटेगा, जाओ जाओ जाओ, कौन मूर्ख व्यक्ति जो जाए? जाने का मतलब एक मकान में जाके रहना थोड़ी होता है। अच्छा, हम चले भी गए, समझिए सरकार ने सिक्योरिटी भी दे दी आपको, आप चले भी गए, अब क्या करेंगे जाके? आप 24 घंटे वहां पे नमाज बस्ती रहेगी, एक इस्लामिक स्टेट में जाके कैसे कोई रह सकता है? मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं और ये आपको हिला के रख देगा ये उदाहरण, और इसके बारे में चिंता करनी चाहिए। हम लोग शूटिंग कर रहे थे, पल्लवी जी का एक सीन था, वो बोट पे बैठी हुई है और उनके साथ छोटी किसी बच्ची की जरूरत थी, तो एक 6-7 साल की छोटी सी बच्ची, उम्र नहीं पता पर दिखने में 6-7 साल की थी, मासूम सी बच्ची,
उसको लाके बैठाया। अब जब वो कैमरा वैमरा चेंज करते हैं तो थोड़ा 5-10 मिनट का गैप होता है, तो उसमें पल्लवी और वो लोग बात कर रहे थे। जो नहीं जानते हैं लोग, पल्लवी जी मेरी पत्नी भी है और उसमें एक्टर भी है। तो और ये कश्मीर फाइल्स की नहीं, उसके पहले की बात है, हमने भारत की बात करके 13 एपिसोड का एक सीरीज बनाई थी जो आई एम बुद्धा की साइट पे आप देख सकते हैं। भारत की बात बहुत अच्छा है वो, तो उसमें कश्मीर में भी हमने शूट किया डल लेक। तो ये लोग बातचीत कर रहे थे, तो तभी 1 बजा होगा तो नमाज होने बजने लगी। तो उसने लड़की ने पल्लवी से बोला कि आप नमाज पढ़ने नहीं जा रही है? तो पल्लवी ने कहा नहीं मैं नमाज नहीं पढ़ती हूँ। कहली क्यों? तो पल्लवी ने बोला नहीं क्योंकि मैं मुस्लिम नहीं हूँ। कहली पर तो आप अच्छा यहाँ नहीं तो बंबई में कहाँ नमाज पढ़ती? पल्लवी ने मैं बंबई में भी नहीं पढ़ती, मैं नमाज पढ़ती ही नहीं हूँ। तो बच्ची कहती है लेकिन क्यों नहीं पढ़ती है? तो पल्लवी ने कहा मैं हिंदू हूँ इसलिए मैं नहीं पढ़ती हूँ। तो आप जानती हैं उस बच्ची ने क्या बोला? बोली तो क्या हुआ, नमाज तो सब पढ़ते हैं। आप ये देखिए 6-7 साल की उम्र की बच्ची, उसको ये पता ही नहीं है कि दुनिया में कोई और भी फेथ होता है, बिलीफ सिस्टम होता है, और तरह के भी लोग होते हैं। उसके दिमाग में ये डाल दिया गया है कि सब जो है, पूरी विश्व जो है, सारी दुनिया जो है, उसको अल्लाह रूल करते हैं और सब लोग नमाज पढ़ते हैं। चाहे आप कुछ भी हो, नमाज तो पढ़नी चाहिए। 7 साल की बच्ची है, उसको क्या पॉलिटिक्स पता है? वो तो इतनी इनोसेंट है। मैं तो मन कर रहा हूँ उसको गले से लगा के, उस बच्ची को आधे घंटे गले से लगा के रखो कि उसको कैसे, मैं किस रास्ते पे वो जा रही है। अब ये बड़ी होगी, यही बच्चे जो है ये बड़े हो रहे हैं, तो जो भी वहां पे आज 35 साल से कम का है वो तो ये मान के ही चलता है कि नमाज हर किसी को पढ़ने चाहिए और इस्लाम ही एक चीज है, अल्लाह ही सब कुछ है और बाकी सब जो है वो काफिर है। तो ऐसे में जाके आप रहे कैसे रहेंगी वहां पे? वहां दिवाली नहीं मना सकती, होली नहीं मना सकती, आप कुछ नहीं मना सकती, आप कुछ कर ही नहीं सकती। आपको कपड़े भी वो पहनने पड़ेंगे जो वो लोग चाहते हैं। कोई लड़की स्कर्ट में, अगर हिंदू लड़की है स्कर्ट पहन के निकलना चाहे नहीं जा सकती। और हिंदू क्या, क्रिश्चियन के साथ भी वही प्रॉब्लम है, बुद्धिस्ट के साथ भी वही प्रॉब्लम है, जैन के साथ भी वही प्रॉब्लम है, पारसी के साथ भी वही प्रॉब्लम है, भारत के हर फेथ हर डाइवर्सिटी के साथ अगर वही प्रॉब्लम है तो सिर्फ हिंदुओं को आइसोलेट करें तो कोई नहीं जा सकता। पर चालाकी इतनी है कि टूरिज्म के लिए आप जा सकते हैं, और वो भी एयरपोर्ट से उतरिए, एक टैक्सी में बैठिए, सीधे गुलमर्ग में जाके होटल के अंदर बंद हो जाइए, उनको पैसे दे के आइए और चले आइए। लेकिन अगर आप कहें कि भाई मैं वो घर देखना चाहती हूँ जहां पे कश्मीरी हिंदू रहते थे, मेरे को जरा वहां ले चलिए, तो आप नहीं जा सकती। कैसे कैसे बदलेंगे इसको? तो जब तक ये नहीं बदलेगा, ये कोई सरकार नहीं बदल सकती, कोई सरकार नहीं बदल सकती विश्व की। मैं तो कह रहा हूं कि खुद अगर भगवान धरती पे आ जाए तो वो नहीं बदल सकते इस बात। इसको सिर्फ मुस्लिम समाज स्वयं बदल सकता है, या फिर हिंदू समाज एकजुट हो जाए और कहे ये हमारा राष्ट्र, अब इसमें ये तानाशाही नहीं चलेगी। हम सरकार के ऊपर उठ के जिस दिन सोचने लगेंगे उसी दिन हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। हमारे साथ हो ये गया है। देखिए ये एक बड़ी एक दयनीय स्थिति भी है कि 1000 साल हम लोगों पे गुलामी का इतना बड़ा प्रकोप रहा है कि हम हर चीज के लिए मालिक को देखते हैं। आप देख लीजिए, कोई भी आदमी, आप एक गरीब आदमी रिक्शे वाला होगा या कोई होगा, वो बोलेगा मालिक। 1000 साल पहले तो नहीं मालिक बोलते थे, कहीं लिटरेचर में हमारा जितना इंडिया का लिटरेचर है उसमें कहीं भी ये शब्द नहीं सुनाई पड़ता, मालिक। मालिक हिंदी का शब्द भी नहीं है, तो मालिक शब्द अंदर आ गया, हम मालिक मालिक करने लगे सबको, वो मालिक है। हिंदी फिल्मों में सब जगह पे इश्क भी होता है, अगर मोहब्बत भी होती है तो वो भी खुदा के कारण होती है, वो भी अल्लाह के कारण होती है, रब के कारण होती है। हमने सब कुछ जो है वो या तो उधर डाल दिया है या सरकार के ऊपर, हमने सरकार को अपना आका, अपना खुदा, अपना अल्लाह, अपना भगवान सब कुछ। हमको सरकारें कितनी आई, कितने जुल्म हुए हमारे ऊपर, तरह तरह के आक्रमण हुए, लोग आए, सब कुछ हुआ हमारे ऊपर, लेकिन हम जिंदा तो हैं। हम क्यों जिंदा हैं? क्योंकि हमारा जो डीएनए है वो इतना स्ट्रांग है कि वो हमको हमको मरने ही नहीं देता, वो हमको लगातार जीवित रखता। लेकिन आज आप ये देखिए, जो आप कभी कोई अगर इंडोनेशिया जाए तो वो इस्लामिक कंट्री है वर्ल्ड की नंबर 1, लेकिन वहां का कल्चर हिंदू है,
वो आज भी रामायण मानते हैं, सारे हिंदू संस्कार मानते हैं, हिंदू वैल्यूज मानते हैं, कहने को रिलीजन उनका, जैसे कि भारत में आम तौर पे कहने को तो कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन लोगों का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि हमारे रिपब्लिक के कॉन्स्टिट्यूशन से एकदम अलग है, हमारी सामाजिक व्यवस्था, उनके भी यही है। तो इंडोनेशिया से लेकर ईरान पर्शिया तक हमारा जो पूरा एक फैला हुआ था कल्चरल, हमारी जो एक साम्राज्य था, आज वो कटते कटते इतना छोटा हो गया है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आज कश्मीर आपके पास नहीं है, आज मैं केरला भी गया था, केरला में हिंदू लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि थर्ड रेट सिटीजन्स है। आज वही हालत बंगाल में होती जा रही है, नॉर्थ ईस्ट में हमने पूरा का पूरा कल्चर बदल दिया है। यही आज महाराष्ट्र में जो सरकार है करने की कोशिश कर रही है, कैसे शुरू होता है, सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ लेकिन ये इंपॉर्टेंट बातें हैं और आप लोग अच्छे लोग हैं इसलिए मैं जनरली पब्लिक में नहीं बोलता हूँ, पर ये घर समझ के बोल रहा हूँ तो माफ करिए अगर थोड़ा ज्यादा बोल जाऊं। तो जब महाराष्ट्र देखिए, जब आप अगर किसी ने बोला अच्छा भाई इतनी नमाज होती है, हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, ये पॉलिटिकल बातें, सारी बच्चा बच्चा समझता है, ये पॉलिटिकल शो ऑफ स्ट्रेंथ। सरकार ये बोल दे हाँ भाई ठीक है आप भी हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे भी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके हिसाब से लाउडस्पीकर नहीं लग सकते हैं, आप अपने घर में पढ़िए, आपने हम सब बराबर हैं। तो वो आप नहीं कर रहे हैं, आप वो लाउडस्पीकर, मेरे ऑफिस के पास पांच पांच लाउडस्पीकर बजते हैं, वो तो आप बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो उसके विरोध में खड़ा हो रहा है उसकी आवाज आप बंद कर रहे हैं। अब क्या होगा, धीरे धीरे उनको शह मिलती जाएगी, वो और उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ और ताकत बढ़ती जाएगी, और बाकी जो लोग हैं वो हीन भावना से कमजोर पड़ते जाएंगे और कल्चरली वो चीज आपसे अलग होती जाएगी, और जवान बच्चे जो हैं उनको लगेगा यही सही है। यही बंगाल में हुआ इससे। पंजाब देखिए, आज पंजाब धीरे धीरे पंजाब में दरार पड़ गई है। आज ही मैंने अभी ट्वीट किया है, कल ही पंजाब में दीवारों पे प्रो खालिस्तानी ग्रेफिटी बनी मिली है, और उसकी मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में आया, मैंने उसकी फोटो अभी डाली, आप देखिए ट्विटर में मैंने यही लिखा है कि कश्मीर में ऐसे ही शुरू हुआ था दीवारों पे, केरला में भी दीवारों में लिख लिख के शुरू हुआ था, बंगाल में भी दीवारों में लिख लिख के शुरू हुआ था। आपका मन भी नहीं होगा घड़ी डिटर्जेंट खरीदने का, लेकिन आप जब निकले और दीवारों पे जगह 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 वही बात लिखी हो, तो एक दिन दुकान पे घड़ी देखते तो आप भी वो डिटर्जेंट खरीद लेते। बहुत सारी चीजें हम जिंदगी में सिर्फ इसीलिए खरीद लेते हैं क्योंकि बहुत उसके बारे में सुना और देखा। कौन लोग हैं जो खालिस्तान को शह दे रहे हैं? मैं एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें बहुत सारे लोग थे, उसमें एक सरदार लड़के ने जो कनाडा में रहता है 23-24 साल का, उसने मुझे चैलेंज किया और कहता आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, हिंदुइज्म तो सिक्खी से निकला है। अब मुझे ये बताइए, वो जो 5 साल की बच्ची जो पल्लवी से कह रही थी कि हर कोई जो है दुनिया में नमाज तो पढ़ते ही है उसमें, और ये लड़का जो 24 साल का है कनाडा में बैठा हुआ है जो कहता है हिंदुइज्म सिक्खी से निकला है, क्या फर्क है दोनों में? और 10-20 साल बाद जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे और हमारे बच्चे हमारी और आपकी उम्र में आ जाएंगे, उस वक्त सारा का सारा पंजाब का बच्चा जो है वो ये बात मान के चलेगा कि ये तो सिक्खी से निकला है सब, और सिक्खी ओरिजिनल धर्म ही है। आप बात करके देखिए किसी यंग सिख बच्चे से, उससे ये पूछिए कि गुरु गोविंद सिंह के जो पंज प्यारे थे वो सिख क्यों नहीं थे, वो कर्नाटका से, उड़ीसा से, मथुरा से, उस जमाने के कराची, इन सब जगहों से क्यों आए थे भाई, गुजरात से क्यों? गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने उसमें दुर्गा और कृष्ण और इंद्र और इन सब लोगों की उपासना की क्यों, ये कोई नहीं बताएगा। तो इस तरह से ब्रेन वॉश कर करके हमने भारत को बहुत छोटा कर दिया है। कहने को तो हम भारत भर में घूमते हैं लेकिन जिसको हम भारत बोलते हैं वो भारत आज बहुत छोटा होता जा रहा है। और ये जो इंडिया है, ये इंडिया इसके ऊपर धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह से राज करने लगा। सॉरी मैं लास्ट में आपको एक और बात बताता हूं, और मैं चाहता हूं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कई बार, क्योंकि मुझे लगता है मैं अकेले ही लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं चाहता हूं आप सब भी इस बात को अपने विचारों से लोगों के सामने लाएं। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी एक विदेशी कंपनी आई, उसने बिजनेस करना शुरू किया और करते करते जो हमारे लोकल लोग थे उनको खत्म कर दिया और सारा उसने टेक ओवर कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट तो आई नहीं थी, वो तो एक बिजनेस करने वाली कंपनी।
अब आप देखिए मजे की बात क्या है, ये जिसको हम बॉलीवुड बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, आज भारत में जितना भी कंटेंट बनता है, मतलब जो फिल्में बन रही हैं, वो सारी की सारी फिल्में उनका मालिक कौन है, वो कौन है उसका ओनर? भारत में बनने वाली फिल्मों का ओनर कौन है? सिर्फ तीन कंपनियां, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, डिज्नी हॉटस्टार, क्योंकि बनाते हमें और उनको जाके सारे राइट्स बेच देते हैं। अब मुझे बताइए हम क्या शिकायत करते हैं बॉलीवुड से, जब बॉलीवुड को भारतीय लोग ही ओन नहीं करते हैं, इसमें पैसा लगाने वाले और इसको खरीदने वाले बेचने वाले लोग ही भारतीय नहीं है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं उससे? और ये किसी को पता भी नहीं है। और मैं भारत सरकार के सेक्रेटरीज और उन लोगों को जा जाके इतना बोलता हूं ये बात कि भाई आपको दिख रहा है अपनी आंखों के सामने, आप चाणक्य बनाते हैं उसको वो लोग खरीद लेते हैं, जो भी आप बनाते हैं उसको। तो जो लोग कहते हैं ओटीटी पे हमारे मतलब की बात नहीं होती, इसलिए नहीं होती। भारत का जो साहित्य है, भारत की जो किताबें हैं, उसके कितने पब्लिशिंग हाउसेस जो मेन है वो सारे के सारे भारतीय नहीं हो। तो हमने अर्बन नेक्सल से गरुड़ा चलाया, उसको खड़ा किया, फिर ब्लूम्सबेरी पे प्रेशर डाला कि नहीं आप सारी इक्विटी इंडिया में लेके आइए, उसके साथ फिर कितनी उनने हिंदू फिलोसफी पे बहुत सारी किताबें छापी, बाकी तो नहीं करते। तो जब आपकी नॉलेज, आपकी जो नॉलेज है उसका ओनर कोई और है, तो वो तो अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के किसी भी तरह से अपने हिसाब से प्रस्तुत करेगा, और क्यों नहीं करेगा, करना भी चाहिए, उनका पैसा वो जो चाहे करें। पर ये बात कोई बताता ही नहीं है, इस बात की जागरूकता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। और मैं जब बोलता हूं इन बातों को तो कह देंगे इस्लामोफोबिक है। तो ये हमारी मूल समस्या है। सॉरी, नहीं ठीक है विवेक जी, सही बात है। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आम जनता को पता ही नहीं है, जी हाँ। समझ ही नहीं पाते हैं। तो अगले प्रश्न पे आती हूँ कि जो भारतीय समाज, विशेषकर बहुसंख्यक समाज ने ऐसी बहुत सारी विभत्सनाएं झेली हैं भारत में, विभाजन के समय का नरसंहार, मोपला नरसंहार, दिल्ली के दंगे, तो भविष्य में इनमें से किसी विषय को भी आप छूना चाहेंगे क्या? देखिए मैं जिस चीज पे काम कर रहा हूं वो ये है कि ये भारत में जो कम्युनल दंगे हैं ये कहां से शुरू हुए? ये खिलाफत के पहले नहीं होते। जब खिलाफत, खिलाफत का मतलब है कि कैलिफेट के साथ एलिजियंस, मतलब हम राष्ट्र के साथ नहीं बल्कि किसी और एक रिलीजियस पावर है उसके साथ हम अपनी एलिजियंस रखते हैं, उसके साथ हम जुड़े हुए, हम उसको मानते हैं, हम भाई राष्ट्र को नहीं मानते, भले हम यहां रहे या नहीं रहे जो भी है। वो खिलाफत शुरू हुआ, उसका सबसे पहला जो असर देखा गया वो हुआ मोपला में, मालाबार में। जो लोग जानते हैं केरला उस वक्त फैला हुआ रीजन है साउथ इंडिया में, मालाबार पूरी एक रीजन है, वहां पे मोपला जेनोसाइड हुआ, जहां पे हिंदुओं के गले काट काट के उनको एक कुएं के अंदर डाला गया, जिनने मना किया कि हम अपना धर्म नहीं बदले। उसका पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया गया और ये बता दिया गया कि मारने वाले फ्रीडम फाइटर्स थे और मरने वाले ऑपरेसर्स थे, और उसको हम मानते आ रहे हैं। उसके बाद आप उसका, उसके बाद से दंगे फसाद ये जो है वो हिंदुओं के अगेंस्ट चालू हुए। उसका फिर दूसरा जो देखा गया सबसे बड़ा रूप वो देखा गया डायरेक्ट एक्शन डे में, जो कि बंगाल में, और उसके बाद वो रुका ही नहीं। फिर उसके बाद वो हुआ, फिर उसके बाद 1971 का हुआ, फिर मार्ची जप्पी का हुआ, लगातार अभी तक बंगाल में कुछ ना कुछ चलता चला। उसका तीसरा रूप जो देखा गया वो देखा गया कश्मीर में खिलाफत, और उसका एक चौथा रूप जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे था, वो कम्युनल राइट्स के रूप में नहीं था, वो ये था कि भारत के लोगों ने जब राम मंदिर की मांग की कि भाई यहां पे ऐसा है, तो उस आवाज को पूरी तरह से दबा दिया। इंडिया ने भारत को ये बोलने का भी मौका नहीं दिया कि भाई हमारे राम यहां पैदा हुए थे या नहीं। उसके बाद जो आपने देखा वो देखा गोधरा में, सब लोग गुजरात राइट्स की बात करते हैं पर गोधरा को छुपा देते हैं पता नहीं क्यों। जब भारत के लोग कहते हैं अच्छा भाई यहाँ गुजरात में राइट्स हुए थे, लेकिन पहले गोधरा की बात करो, हुए क्यों थे? जिंदा लोगों को जला दिया,
तो इंडिया उसके बारे में बात नहीं करने देता, मीडिया में कहीं उसके बारे में बात नहीं। सारी डिबेट जो है, किताब उन्होंने लिखी है गुजरात फाइल्स, गोधरा फाइल्स क्यों नहीं लिखती भाई, गोधरा से ही तो शुरू हुआ। उसी खिलाफत का आपने देखा कि बॉम्बे में जो राइट्स हुए, बॉम्बे में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए, और करते करते देखिए सीए में खिलाफत 2.0, तो उन्होंने खुद बोला, मैं नहीं बोल रहा हूं, उन्होंने खुद बोला। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार हुआ उसी वक्त जब सीए की प्रोटेस्ट चल रही थी शाहीनबाग में, तो खिलाफत 2.0 के ही ऊपर। और आज भी ये जो मैं कह रहा हूं, ये लोग क्यों नहीं बोलते टेररिज्म के अगेंस्ट, क्योंकि ये सब उसी खिलाफत विचारधारा के। और जिसको मैं बोल रहा हूं इंडिया हमने क्रिएट किया आजादी के बाद, ये इंडिया उसी खिलाफत को प्रोटेक्ट करता है, विचारधारा को, उसी विचारधारा को प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, अब ओपनली तो कर नहीं सकता, तो कैसे प्रोटेक्ट करें? दो तरीके होते हैं लड़ाई के, एक या तो अपना वर्चस्व स्थापित करो, या दूसरा सामने वाले को नीचा दिखा के उसको कमजोर कर दो। तो इन्होंने अपने जो हिंदू बोलना है उसको पूरी तरह से इन्होंने नीचा दिखाने के लिए एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे, आइडियोलॉजिकल लेवल पे, एक लिटरेरी लेवल पे, सिनेमेटिक लेवल पे, इन सब लेवल्स पे उसको दबाने की पूरी कोशिश की। भारत की समस्या तब तक नहीं सॉल्व होगी जब तक हम इस राष्ट्र को मेजोरिटी और माइनॉरिटी के नाम से चलाएंगे। एक स्टेट की मेजोरिटी दूसरी स्टेट में माइनॉरिटी, सिख पंजाब में मेजोरिटी में है, कहीं और माइनॉरिटी में है। तो जब पंजाब पूरी तरह से एक सिख स्टेट है, तो फिर ये मेजोरिटी और माइनॉरिटी की क्यों बात है? अमेरिका भी एक डेमोक्रेसी, वहां तो ऐसा नहीं होता है कि भाई एक स्टेट पूरी की पूरी तरह से, समझ लीजिए सिर्फ मुस्लिम लोग चला रहे हैं उसको, या सिर्फ उसको सिख चला रहे हैं, या सिर्फ हिंदू चला रहे हैं, ऐसा तो कोई स्टेट नहीं है अमेरिका में, ब्रिटेन में भी नहीं है, वर्ल्ड में कहीं नहीं है। सिर्फ हमारी एक डेमोक्रेसी है जिसमें एक स्टेट को पूरी की पूरी तरह से अर्बन नक्सल चला रहे हैं, एक स्टेट को इस्लामिक लोग चला रहे हैं, एक स्टेट को सिख लोग चला रहे हैं, और ये सब लोग कहीं ना कहीं जुड़ गए हैं आपस में एक दूसरे के साथ, जिसको मैं अर्बन नक्सलिज्म बोलता हूं। ये नक्सलिज्म के नाम पे सबके सब जुड़ गए और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और इनको फॉरेन से टेरर फंडिंग मिलती है। इसीलिए आप देखिए कि अगर आप एक जर्नलिस्ट हैं, इंडिया में ऐसा नहीं हर जर्नलिस्ट खराब है, 90% जर्नलिस्ट अच्छे हैं, लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं जानता। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे, अगर आप भारत के जर्नलिस्ट हैं तो आप वही 40,000, 50,000, 70,000 रुपए की नौकरी करते करते जिंदगी बिता देंगे, बच्चों की पढ़ाई, ये लोन लेंगे, ईएमआई भरेंगे, गर्मी में घूमेंगे, आप एक मिडिल क्लास आदमी की तरह ही अपनी जिंदगी बिता पाएंगे, क्योंकि सारे वर्ल्ड में जर्नलिस्ट लोग ऐसे हैं। लेकिन अगर आप इंडिया की साइड चले जाएंगे तो आप दिल्ली के गोल्फ लिंक्स में 500 करोड़ की कोठी भी बना सकते हैं, फिर आप राजा रानियों की तरह रह सकते। मैं आपको बॉलीवुड की बात बताता हूं, अगर आप इंडिया से जुड़ के फिल्में बनाएंगे तो आप राजाओं की तरह रहेंगे, बॉम्बे टाइम्स, दिल्ली टाइम्स में आपकी फोटो रोज छपेंगी। लेकिन अगर आप मेरी तरह से भारत के लिए फिल्म बनाएंगे तो आप सारी जिंदगी पैसे को लेकर स्ट्रगल करेंगे, सारी जिंदगी अपनी जिंदगी को लेकर स्ट्रगल करेंगे, और वो लोग मानेंगे ही नहीं कि आप फिल्म देखें, वो स्वीकार ही नहीं करेंगे आप फिल्म में। आप इंडिया के राइटर बन जाइए और आप देख लीजिए आपकी चांदी हो जाएगी, आपको सब पेंगुइन, हार्पर कॉलिन सब लोग आपके आगे आ जाएंगे। लेकिन अगर आप एस एल भाईरप्पा हैं, कन्नड़ा के और शायद भारत के सबसे बड़े नॉवलिस्ट हैं, जिनकी किताबें छपने के पहले ही लाखों में बिक जाती हैं, उनका नाम भारत का बच्चा नहीं जानता हो, ये फर्क है इंडिया और भारत। और ये इंडिया क्या कर रहा है, बड़ी खूबसूरती से सेकुलरिज्म के नाम पे खिलाफत को प्रोटेक्ट कर रहा है। इंडिया ने जब रेड फोर्ट पे कुछ लोग खालिस्तान की नारा लगाते ऊपर चढ़े, इंडिया ने उसका विरोध नहीं किया, लेकिन जिन लोगों ने इस बात का विरोध किया, इंडिया ने उनका विरोध किया। अगर आप समझे रुचि जी या दीपांजलि जी या
अपने अभितोष जी या विजय जी, अगर आप लोगों ने बोला भाई ये रेड फोर्ट पे किसी का भी चढ़ना गलत है और झंडा गाड़ना वहां पे, उन लोगों का विरोध किया, उन्होंने बोला रुचि जी आप गलत हैं, आप ऐसा नहीं बोल सकती, आप चुप होगी, क्योंकि जो एक मूलता जो भारत भारत का जो व्यक्ति है उसकी जिंदगी एक घर, अपना परिवार चलाना, अपने बच्चों को पढ़ाना, उनको वैल्यूज देना, माता पिता का ख्याल रखना, उसमें इतना बिजी होता है कि उसके पास डे टू डे एक्टिविज्म के लिए टाइम नहीं होता। वो सुबह उठ के ये नहीं सोचता है कि चलो आज झंडा लेके हम लोग एक्टिविज्म करते हैं। लेकिन जो इंडिया के जो लोग हैं उनका तो मकसद ही एक्टिविज्म करना है, उनको तो पैसे ही इस बात के मिलते हैं, उनकी तो नौकरी यही है। तो जब एक जर्नलिस्ट राणा यूब जैसी झूठ, एकदम सरासर झूठ कि हिंदुस्तान में मुस्लिम जेनोसाइड चल रहा है वॉशिंगटन पोस्ट में लिखती है, तो आप खुद तय करिए वो इंडिया को बिलोंग करती है कि भारत को बिलोंग करती है। मैं तो चारों तरफ घूम रहा हूं, मुझे तो कहीं किसी का जेनोसाइड नजर नहीं आ रहा है, मुझे तो हिंदुओं का जेनोसाइड कश्मीर में नजर आ रहा है, और उसके बारे में तो वो आर्टिकल नहीं लिखती है। लेकिन उसके बारे में अगर मैं फिल्म बनाता हूं तो मेरे नाम पे फतवे इशू होते हैं, और एक भी आदमी इनमें से खड़ा होके मेरे बारे में ये नहीं बोलता है कि फतवा देना गलत था। तो ये जो हमने भारत का एक साइकोलॉजिकल डिवीजन कर दिया है कि ये इंडिया है, ये भारत है, इंडिया जो है वो माइनॉरिटी के साथ है और भारत मेजॉरिटी के साथ है, ये गलत है। क्योंकि इंडिया जो है जिसको माइनॉरिटी बोलता है वो तो कश्मीर में मेजॉरिटी है, वो तो पंजाब में मेजॉरिटी है, वो तो नॉर्थ ईस्ट में मेजॉरिटी है, वो तो केरला में मेजॉरिटी है, वो तो बंगाल में मेजॉरिटी है। तो एक्चुअली इंडिया मेजॉरिटी के साथ चल रहा है, ये मेरा मेरी सोच ऐसी। जी विवेक जी, एक आपकी रिसेंट एक ट्वीट है उसमें आपने लिखा है इंडिया इज एट वॉर, तो किस वॉर की तरफ आप बात कर रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं? यही वॉर। विश्व में कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जो अपनी मूल दर्शन जो है उसी के खिलाफ लड़ाई लड़ता। मैं ग्रीस गया था, ग्रीक लोग तो नहीं लड़ते उसके खिलाफ, ब्रिटेन तो शेक्सपियर से लड़ाई नहीं लड़ रहा, पर हम कालिदास से लड़ाई लड़ रहे। अमेरिका तो अपनी जो मूल जो उनकी लिबर्टी की वैल्यूज वो बोलते हैं, जो फ्रीडम की वैल्यूज बोलते हैं, उसको लेकर गर्व महसूस करते हैं। लेकिन हमारा जो ओरिजिनली दुनिया का सबसे लिबरल विचारधारा है हम उसी के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। इस विश्व में तरह तरह के, चलिए मान लीजिए हिंदुइज्म धर्म है, हालांकि मैं नहीं मानता, पर चलिए मान लीजिए एक बार जो कहता है ये इंडिया में बैठे लोग जो कहते हैं कि आप भाई हिंदुइज्म है, हिंदुत्व जो है वो एक धर्म, मान लिया। अब मुझे ये बताइए कि जितने भी दुनिया के धर्म है, जितने भी सारे ऑल अक्रॉस, उनका कोई एक भगवान है और वो भगवान खड़े होकर सबसे पहले ये बोलता है कि मैं ही हूं जो हूं, पूरे विश्व को चलाने वाला करता धरता सिर्फ मैं हूं, और जो मुझे नहीं मानेगा वो आदमी पाप के रास्ते पर चल रहा है। और मैं सब जानता हूं, मैं सर्वव्यापी हूं, मैं सर्वज्ञानी हूं, मैं सब जानता हूं, पर मुझसे ये नहीं पूछना मैं कैसे जानता हूं और क्यों जानता हूं, ये ट्रेड सीक्रेट है। मैंने बोल दिया ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, ये सारे विश्व के भगवान ऐसा बोल रहे हैं। सनातन धर्म में जिसको हम बोलते हैं या हिंदुइज्म में सबसे पहला ईश्वर कौन है? वेदों के हम वेद से ही शुरू कर सकते हैं, उसके पहले तो फिर नहीं कर सकते प्रमाणिक तौर पे। तो वेद में सबसे पहला जो भगवान है उसका नाम है प्रजापति, और प्रजापति के मुंह से निकला हुआ सबसे पहला वाक्य क्या है? सबसे पहला वाक्य है मैं कौन हूं, हु एम आई। हमारा जो भगवान है पहला, वो स्वयं सीकर है, वो खुद ही ढूंढ रहा है इन सवालों के जवाब कि मैं कौन हूं। इसीलिए उसको जो मिलता है वो कहता है मैं ब्रह्मा हूं, हाँ भाई तुम ब्रह्मा हो, मैं कहता मैं विष्णु हूं, विष्णु हूं, मैं महेश हूं, महेश हूं। कोई कहता नहीं 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 मैं तो गणेश हूं, कहता हाँ भाई गणेश भी सही है। कोई कहता नहीं मैं दुर्गा हूं, कहता हाँ दुर्गा भी सही है। कोई कहता मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं स्वच्छंद हूं, मैं ये पूरा ब्रह्मांड हूं, कहता हाँ वो भी सही है। क्योंकि वो कहता है कि कुछ अलग है ही नहीं, सब कुछ एक ही है, एक वननेस है, हम और तुम अलग है ही नहीं, हम सबका सिर्फ एक ही
मकसद है इस विश्व में कि हम जाने कि हम क्यों हैं, कहाँ हैं, कहाँ जाएंगे, कहाँ से आए। ये जो बात है ये इतनी बड़ी बात है अगर विश्व जिस दिन इसको समझ जाएगा कि दुनिया का भला एक ओपन सोर्स कोडिंग में है। ओपन सोर्स कोडिंग मतलब अगर आपको लगता है, मुझे लगता है कि नहीं ऐसा है, आपको लगता है नहीं इसमें कुछ चेंज की जरूरत है, विवेक जी जो है 100% करेक्ट बात नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से उसमें एडिशन कर लीजिए या घटा दीजिए। आप जिस रूप में जैसे चाहें वैसे आप कल्पना कर लीजिए, और अंततः अपने दिमाग को कंट्रोल करने के लिए हम लोग ने मेडिटेशन की बात की, हमने जीवन को भी चार भाग में बांट दिया है, हमने ब्रह्मचर्य सीखने के लिए लर्निंग, उसके बाद उसको हमने दाम्पत्य जीवन में गृहस्थ आश्रम में, फिर वानप्रस्थ में, और लास्ट में संन्यास में लेके गए। ये वानप्रस्थ और सब ग्रेजुअल चारों चलते हैं। हमने कहीं ये नहीं बोला कि भाई तुम ये करोगे तो वो मिल जाएगा, वो करोगे तो वो मिल जाएगा। मुक्ति का पूरा कॉन्सेप्ट इस विश्व में लाने वाले हम हैं। डाइवर्सिटी जिसको बोलते हैं, लिबरलिज्म का मतलब है कि हर किसी के विचारों को करो स्वीकार, ये विश्व में सबसे पहला ये कहां पे मिलता है आप बताइए, विचार कहां पे मिलता है सबसे पहला? ये सबसे पहला विचार हमारे यहां मिलता है जिसको बोला जाता है अनेकांतवाद। जो जैन लोग हैं वो जानते होंगे इस बात को। अनेकांतवाद का मतलब ये है कि सत्य तक पहुंचने का के लाखों करोड़ों रस्ते हो सकते हैं। आपका अपना रास्ता हो सकता है, मेरा अपना रास्ता हो सकता है, और जो होगा भी, हर व्यक्ति अलग है तो अलग रास्ते ही होंगे, लेकिन किसी और के रास्ते को गलत बोलना हिंसा है। उसी विचार को लेके जैनिज्म निकला, और जैनिज्म का पूरा मूल आधार ही अनेकांतवाद। आज जिसको आप अहिंसा के रूप में देखते हैं, चींटी को नहीं मारना, ही नहीं मारना, ये सब वहीं से निकला हुआ है। किसी के विचार की अवहेलना नहीं करना, किसी के विचार को नहीं मारना, किसी के भावना को नहीं मारना, ये सब हिंसा है। तो हमें कोई ह्यूमन राइट्स क्यों सिखाता है भाई, हमें क्यों डाइवर्सिटी और लिबरलिज्म? तो जो लोग इतने उच्च विचार की एक 5000 साल से उन वैल्यूज को खींच के प्रिजर्व करके यहां तक लाए हैं, उनकी तो पूरे विश्व को इज्जत करनी चाहिए। उसकी बजाय आज उन सबको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। जो बच्चा आज स्कूल में जाके इस तरह की बात करे उसको टीचर लोग ही रिग्रेसिव बोल देते हैं। तो अगर आप हिंदू फिलॉसफी को माने तो आप धर्म धर्म की बात कर रहे हैं और आप कम्युनल हैं, लेकिन आप 72 हूरों की बात करें और उसके अगेंस्ट अगर कुछ बोले कोई कि ये भाई कैसी बात है तो कहीं इस्लामोफोबिक है। ये हमने एक अजीब सी रचना इस राष्ट्र में कर दी है। इसके खिलाफ एक बहुत जन आंदोलन, एक जन चेतना की बहुत आवश्यकता है। सही बात है विवेक जी। एक आखिरी प्रश्न मैं और पूछूंगी और उसके बाद हम हमारे श्रोताओं से प्रश्न लेंगे। दिल्ली विधानसभा में कश्मीर फाइल्स की नहीं, हिंदुओं के जो नरसंहार का था उस तक का मजाक उड़ाया गया था। अरविंद केजरीवाल और उनके विधायक, उन्होंने खूब ठहाके लगाए थे। तो और मतलब कहा कि ये सारी सत्य घटनाएं नहीं है, ये झूठी है और ऐसी सब बातें होती, तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या बोलूं, ऐसे लोगों को तो ईश्वर देखता है, मैं क्या बोलूं उसके बारे में। मुझे बस डर इस बात का है कि ये बात तो सत्य है कि वो खालिस्तान का जो मूवमेंट है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और वो आप लिख के ले लीजिए, ये तो रिकॉर्डिंग रहेगी यूट्यूब में कई सालों तक। मैं बोल रहा हूं इस बात को, भारत को अगले 10 साल में बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत बहुत बड़ा प्राइस अपीट करना, ह्यूज। नमस्ते विवेक जी, पहले तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, इसलिए कि इस वक्त जिस तरह का की फिल्म आपने बनाई है, आपका एक एक मिनट इतना कीमती है कि पीपल आर जस्ट डाइंग टू वेट योर सी योर नेक्स्ट फिल्म। एंड इन दिस कंटेक्स्ट व्हाट इज योर व्यू, सिंस यू बीन वेरी कैंडिड, what kind of content is available in our general Bollywood? I personally find that it is very glitzy, but it is very very impoverished. It neither has good music, nor it has good songs, nor it has good storytelling. At one time
हिंदी मूवी की रीमेक बनती थी और लैंग्वेजेस में, अब जस्ट उल्टा होता है। सही बात है बिल्कुल। आज देखिए या तो हम लोग साउथ इंडिया के सब्जेक्ट्स को उठा के बना रहे हैं, या फिर हम विदेशों के हॉलीवुड के सब्जेक्ट बुला रहे हैं। अब तो कोरिया के भी उठा के बनाने लगे, सारी बड़ी बड़ी फिल्में बन रही है कोरियन सब्जेक्ट्स। तो आप कर क्या रहे हैं कि जो मूल थिंकिंग है वो भारतीय नहीं है, उस मूल थिंकिंग को आप घुमा फिरा के पैकेजिंग करके लोगों के ऊपर डाल रहे हैं। फिर दूसरा, आपने एक फॉर्मेट बना लिया है कि अच्छा भाई प्राचीन काल में राजा महाराजा ऐसे होते थे, इस तरह से रहते थे, आपने एक झूठ मूठ की दुनिया सी बना ली है और उसके नाम पे आपको लग रहा है कि अच्छा ये तो सब मूर्ख लोग हैं, इनको तो राष्ट्रवाद के नाम पे और अपनी संस्कृति के नाम पे सभ्यता के नाम पे कुछ भी डाल दो। तो उन्होंने उस तरह से उसको बना दिया, कोई रिसर्च नहीं है, कोई उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वही डायलॉग है। अगर आप उस तरह की सारी फिल्मों को जोड़ के एडिट करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा किस दृश्य किस फिल्म से, सब एक सा दिखेगा। तीसरे जो है वो यूथ, एक ऐसा यूथ अपने दिमाग में क्रिएट कर लिया इन लोगों ने जो भारत में है ही नहीं, उस तरह के स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर होते ही नहीं है, मैंने तो आज तक नहीं मिला, आपको मिले तो मुझे बताइए कहाँ भारत के शहरों में आपको वॉलीबॉल खेलते हुए बच्चे जो है मिलेंगे, बहुत कम, 10 मुश्किल मिलेंगे ही नहीं पहली बात। तो आपने झूठ की दुनिया जो बना ली है वो क्रिएट कर लिया है, उसके ऊपर करोड़ों रुपए मार्केटिंग के खर्च होते हैं, आदमी सोचता है चलो इसी बहाने घूम आते हैं देखाते हैं, फिर मॉल में जाएंगे खाएंगे पिएंगे चले आएंगे, लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं कि जब भी आप वो टिकट खरीदते हैं तो आप उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो सही है, और इसकी जिम्मेदारी में उनके ऊपर नहीं कोई भी। आप ये देखिए कि अगर कोई आदमी नशा बेच रहा है और आप अपने बच्चों को रोज 100 रुपए दे देते हैं कि जाओ बेटा जो भी चौक खाओ पियो और करो, और वो बच्चा नशा अगर करने लगे और आपको पता भी चल जाए और उसके बाद भी अपने बच्चे को रोज के 100 रुपए देने से आप रुकते नहीं है, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार? तो जब आपको ये बात पता है तो सबसे पहले तो इसके बारे में बोले लिखे, और सिर्फ यही नहीं बल्कि उनकी ताकत ना बढ़ाए। ताकत कैसे? पैसे से तो बढ़ती है, और किससे बढ़ती? जी सर, मेरा प्रश्न ये है कि क्या इस फिल्म से हमारे हमारे समाज में रह रहे अलग अलग धर्मों पर कोऑर्डिनेशन का असर पड़ेगा? मैं इसका जवाब ढूंढ रहा हूँ, सोच रहा हूँ क्या जवाब होना चाहिए इसका, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, अगर इस तरह की विचार वाली फिल्में आती रहें, देखिए ये पिछले 70 साल से ये घुसाया जा रहा है हमारे दिमाग में, लेकिन अगर अगले 5-1 साल भी अगर इस तरह की 15-20 फिल्में भी अगर आ गई, तो जो यंगर जनरेशन है उनको भी धीरे 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 धीरे, कोई मूर्ख नहीं होता है, लॉजिक की बात सब समझते हैं, लेकिन अगर बात बताएंगे ही नहीं तो कैसे समझेंगे? जैसे अभी आपको मैंने प्रजापति के बारे में बताया, अनेकांतवाद के बारे में बताया, तो आपको समझ में आया। मैंने आपको कहा जैसे नई जनरेशन के बच्चे, तो उनको ये पता ही नहीं था कि ये तो हिंदू लैंड है, जो कि आज 100% नॉन हिंदू लैंड हो गया कश्मीर, ये पता ही नहीं है जब बच्चों को, ये बात कोई बताएगा ही नहीं अगर उनको, तो पता कैसे चलेगी? तो हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ ये काम, मैं कई और सारे यंग डायरेक्टर्स और राइटर्स को भी इकट्ठा कर रहा हूँ, अब थोड़ी सी ताकत आई है तो उनको इकट्ठा करके इस तरह के सब्जेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। तो जब इस तरह के लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, उनको ताकत मिलेगी, तभी वो धीरे धीरे ये नैरेटिव चेंज। मेरा प्रश्न है, ऐसे जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती है, रोहित वेमुला अखलार, कोई कुछ कुछ पिछले सालों में कुछ 2-4 घटना हुई है लेकिन अभी भी उसका जिक्र आते रहता है, और इधर हिंदुओं की हत्या आए दिन हर तीसरे चौथे दिन कहीं ना कहीं होते रहती है, केरल में, वेस्ट बंगाल में, कश्मीर में, पर कल जैसे राहुल भट्ट की घटना, 5-7 दिन पहले भी कोई घटना हुई थी, 8-10 दिन पहले भी कोई घटना हुई थी, उसका हमको नाम भी ध्यान में नहीं है, लेकिन रोहित वेमुला अखलाक की ऐसे अगर मॉब लिंचिंग होती है तो इतना हल्ला, पूरे विश्व में हल्ला मचता है, वो कोई हद नहीं है उसका, और हिंदुओं की हत्या होने पर कोई जानकारी, कोई हल्ला और कोई मीडिया और ऐसे कुछ होता नहीं है, ऐसा क्यों होता है और इसका समाधान क्या है, ऐसा आगे ना हो उसका समाधान क्या है, ये मेरा 2 प्रश्न है। मैंने इसका जवाब दिया ही है, मैंने आपको बताया ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंडिया जो है वो भारत के नैरेटिव को खत्म करना चाहता है और दुनिया को ये विश्वास दिलाना चाहता है कि ऐसा जो है वो सिर्फ मुस्लिम लोगों के साथ भारत में होता है, और उसके लिए वो लोग एक आध कुछ कोई घटना ढूंढते रहते हैं 24 घंटे गिद्धों की तरह से, और एक मिल जाती है तो उसको सारी दुनिया में फैलाते हैं। पर सवाल इसका समाधान ये है कि आपके लिए सोचने की बात है कि ये ताकत उनको दी किसने?
ये ताकत हमने ही तो दी है उनको। मैंने अर्बन नेक्सल जब किताब लिखी तो आज तक उसको लेके लड़ रहा हूं, इसलिए क्योंकि मैं उस ताकत को तोड़ रहा हूं, उसमें छोटी सी चोट पहुंची है। आज कश्मीर फाइल जब मैंने बनाई तो उसमें एक और चोट पहुंची है, अगली फिल्म आएगी तो उसमें और एक चोट पहुंचेगी। तो धीरे धीरे हथौड़ा एक जगह पे मारते जाओ तो कितनी भी मजबूत दीवार हो एक ना एक दिन वो टूट ही जाती है। तो एक हथौड़े से नहीं टूटने वाली ये दीवार जो है, हम सब लोगों को मिलके इसमें हथौड़े मारने पड़ेंगे, और जिस दिन वो दीवार गिर जाएगी उसी दिन इसका समाधान मिलेगा। बहुत सही बात कही विवेक जी की, मतलब एक हथौड़े से नहीं होगी, हम सबको मिलके करना है। जी हाँ, जब तक एक नहीं होंगे और आवाज नहीं उठाना शुरू करेंगे तब तक नहीं होगा। विवेक जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब आपने जो फिल्म बनाई है बुद्धाई ने ट्रैफिक जाम, ताशकंद फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, तो उसके लिए मतलब थैंक यू बहुत छोटा शब्द है, तो मैं हाथ जोड़कर शीश झुकाकर आपको प्रणाम करता हूँ। और क्योंकि ये जो आपने किया है वो एक मतलब जो इतिहास को जो वाइट वॉश किया जा रहा है हिंदू कम्युनिटी का, तो उस पर आपने मतलब बहुत ही अच्छी तरह से रखा है। और मेरा मानना है कि सिनेमा मीडियम का जो रीच है, आप किताब भी अच्छी लिख सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं, बट जो सिनेमा की जो रीच होगी उतनी रीच मतलब कोई और मीडिया नहीं कर सकता। तो मेरा प्रश्न है, जैसे आपने केरला का बोला, नॉर्थ ईस्ट का बोला जहाँ पे कल्चरल चेंज है, बंगाल में हो रहा है, कश्मीर का हो रहा है, और अभी अभी जैसे आप कर रहे काम, फिर बहुत सारे सोशल मीडिया पर ऐसे है राइट, जो सोशल मीडिया से अवेयरनेस ला रहे हैं ये सब चीज में राइट, हिंदू कल्चर के लिए या फिर ये सब हो रहा है, आवाज उठा रहा है, तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन है इससे, पिछले सालों में ग्राउंड जीरो पर जो एक्टिविटीज जो हो रही है उस पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है? क्योंकि अगर आई मीन इफ वी सी राइट, अल्टीमेटली ये जो हम बात कर रहे हैं राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट डेमोग्राफिक चेंज, तो अगर अभी ठीक है अभी उतना नहीं है, बट इफ यू सी इट्स इफेक्ट आफ्टर सिक्स्थ और सेवन्थ जनरेशन राइट, दैट इज लिटरली स्कैरी। तो ये बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया थिंग, और आप जैसे जो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के थ्रू काम कर रहे हैं, तो उससे क्या आपको कुछ सालों में आपने ऑब्जर्व किया है, फर्क आपको दिखाई दे रहा है? जी हाँ, ऑफ कोर्स, आई मीन मैं बिल्कुल दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है। जब मैंने शुरू किया था तो जब आप बुद्धाना ट्रैफिक जैम की बात कर रहे हैं, तो 2010 में मैंने वो फिल्म बनाई थी और उसको रिलीज होते होते 2016 हो गया, 6 साल वो अटकी रही, किसी ने रिलीज भी नहीं करने दिया, बड़ी मुश्किल से फिर वो रिलीज भी नहीं हुई एक्चुअली ढंग से, वो मैंने जगह जगह जाके लोगों को दिखाई। लेकिन फिर जब हमने ताशकंद फाइल्स बनाई तो उसको रिलीज होने में 2-3 साल अटकी रही, इतना टाइम लग गया। कश्मीर फाइल्स को सिर्फ 1 साल लगा, तो मुझे ऐसी आशा है अगली फिल्म जो है वो बनाने के बाद तुरंत रिलीज हो सकती है, एक फर्क हुआ है। दूसरा, JNU में जहाँ पे ये सब ऊटपटांग बातें चलती थी, अफजल गुरु को हीरो बनाना, बुरहान वानी को हीरो बनाना, ये धीरे धीरे कम हुआ है, ऐसा नहीं है, काफी कम हुआ है वहां पे, है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ खत्म हो गया, लेकिन है, लेकिन कम हुआ है वहां पे। तो इन चीजों से फर्क तो पड़ता ही। जब आप अच्छा, दूसरा क्या होता है, जब आप क्वेश्चन करते हैं किसी चीज को तो लोग खुद सामने आते हैं, तो लोगों को दिखने भी लगता है क्या सही है क्या गलत है, तो वो डिफरेंस है। लेकिन मैं आपको एक ट्रेड सीक्रेट बताता हूं, हम लोगों को ना रिएक्शनरी नहीं बनना चाहिए, हर समय बहुत ज्यादा एनिमी सेंट्रिक नहीं होना चाहिए कि हर समय उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं वो क्या करते हैं उनका क्या है। मैं कभी नहीं सोचता वो लोग क्या करते हैं, मुझे मतलब भी नहीं होता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं क्या करना चाहता हूं और मैं कैसे करना चाहता हूं। और उसकी सबसे बड़ी जो तरीका है, सोशल मीडिया को अगर आपको यूज करना है और जिस चीज से आपको प्रॉब्लम है उसको खत्म करना है, तो आप अपनी ग्रेटनेस की बात करना शुरू करिए, आप अपनी ग्रेटनेस लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। हो क्या रहा है कि पिछले कई साल से गलती हमारे भी अंदर है, उसको भी समझना चाहिए। हमारी गलती क्या हो गया है कि हम हमेशा ये बोल रहे हैं कि वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, और उस चक्कर में हम कोई, अब देखिए कोई यंग बच्चा है तो कहेगा हाँ भाई चलिए मान लिया वो गलत है, पर मैं आपकी बात क्यों मानूं? तो आपको भी यंग लोगों की तरह यंग लोगों को अपनी महानता के बारे में बताना चाहिए। तीसरी गलती हम क्या करते हैं कि देखिए आपको तो पता ही है और मुझे तो पता ही है, तो हम आपस में एक दूसरे से क्यों बात करें उस बारे में? अगर आपको पता है कि हाँ भाई ये चीज अच्छी है, महान है और मुझे पता है, तो हम एक दूसरे को काहे को कन्विंस करने की कोशिश करें? हमको यंग बच्चों को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, वो क्या भाषा सुनना चाहते हैं, उस भाषा में उनको वो चीजें देनी चाहिए।
छोटे जो माए हैं वो जानती, बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको कैसे शहद लगा के या चॉकलेट में दवाई दे देते हैं ना, उस तरह से दीजिए। मुझे देखिए, मैं वही करता हूँ 24 घंटे, उस तरह से उनको दे दीजिए। उनको साथ लेके चलेंगे अगर तो बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। फिर नहीं तो क्या होगा, अगर हमारे बच्चे लोग हमसे अलग हो गए ना, वो अलग दिशा में सोचने लगे, हम अलग दिशा में सोचने लगे, तो एक बहुत बड़ा गैप भारत में आता जाएगा। और मेरी पूरी की पूरी जो जिसको यज्ञ बोलते हैं, वो यज्ञ यही है, किस तरह से जो यंगर जनरेशन है उन लोगों को आई मेक देम फील प्राउड अबाउट इंडिया। और इसी यज्ञ में लगाऊं आप सबसे, बस मेरा निवेदन है कि आप लोग भी अपने अपने घरों में छोटा छोटा ये यज्ञ शुरू करें। बहुत मेहनत का काम नहीं है, इसके लिए कोई वेद पुराण पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, कोई उपनिषद पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्ञानी होने की भी जरूरत नहीं है। बहुत छोटा सा काम करें आप, अपने ही परिवार के जो अच्छे लोग हैं उनकी महानता के बारे में बच्चों को बताने लगे, बस, चाहे वो आपके दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, मामा हो, मामी, जो भी हो, या अपनी माँ के बारे में, अपनी पत्नी की महानता के बारे में, उनके उनकी जो सेक्रीफाइस है, उनका जो संघर्ष है, उसके बारे में बताने लगे चलते फिरते। वो तो सुनते हैं बच्चे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि अरे देखो तुम्हारे चाचा जी ने ये किया था जब मैं छोटी थी, तो उस जब वो बताते हैं तो उनको इस तरह से समझ में आता है कि भारत का जो आम आदमी है उसकी वैल्यूज क्या है और उसका नतीजा क्या होता है। तो जो आपके आसपास जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो कि इंडियन वैल्यूज के साथ बड़े हुए हैं, उन लोगों की बात जब आप बताने लगेंगे तो बच्चे उससे जुड़ने लगेंगे। आप विवेकानंद को ये मत बोलिए कि विवेकानंद गए थे, उनने हिंदू धर्म का प्रचार किया, ये मत बोलिए ना। विवेकानंद ने साइंस के बारे में कितनी बातें करी है, क्या आप लोग जानते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो साइंस है वो श्री विवेकानंद के ही कारण चालू हुआ था। उन्होंने टाटा से मिले, एक शिप में आ रहे थे इंग्लैंड से वापस, उन्होंने बोला आप साइंस में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते हैं, टाटा को बोला, जमशेद टाटा जी को, उसके कारण। और आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है वर्ल्ड का नंबर वन इंस्टीट्यूट। आप सावरकर के बारे में ये क्यों बोलते हैं कुछ भी कि वो क्या था, छोड़ दीजिए ना उन बातों को। सावरकर ने साइंस को लेकर कितनी बातें की है, सिनेमा को लेकर कितनी बातें की है, म्यूजिक को, आर्ट को, लिटरेचर को, विमेन एम्पावरमेंट को लेके, कास्ट खत्म करने का, अब वो वाला आस्पेक्ट बताइए। आप लोगों की जब अच्छी बातों पे फोकस करेंगे और मॉडर्निज्म पे अगर फोकस करेंगे, बच्चों को ये समझ में आएगा कि वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन ये दोनों अलग चीज है। वरना वो लोग वेस्टर्नाइजेशन को ही मॉडर्नाइजेशन समझ लेते हैं और फिर जो इंडिया लॉबी है, जो अर्बन नक्सल लॉबी है, उनके साथ खड़े हो जाते हैं और भारत का विरोध करने लगते हैं, उसको खत्म करने की ये एक तरह की जड़ी बूटी है।